गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज अनिल एंड वेलकम टू सनसे बनेट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बीपीएससी टीआरई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से संबंधित कुछ प्रश्न आप लोगों की तरफ से पूछा जा रहा है दोस्तों, और कुछ कॉमन प्रश्न है जो कमेंट बॉक्स में आप लोग की तरफ से कमेंट किया गया है। आज हम लोग इसके बारे में यहाँ पे चर्चा करेंगे, जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा कि नहीं होगा। महिलाओं का प्रश्न है दोस्तों कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उनका कहाँ पे होगा, परमानेंट एड्रेस पे होगा कि कोरेस्पोंडेंस एड्रेस पे होगा, डॉक्यूमेंट्स उल्टा पुल्टा अपलोड हो गया है तो अब क्या होगा। इन तरह के जो तमाम प्रश्न है, डोमिसाइल लागू एसटीटी 2019 में था तो फिर अदर स्टेट के कैंडिडेट्स यहाँ पे कैसे आ रहे हैं, इन तमाम चीजों के बारे में तमाम तरह के प्रश्न हैं और हम लोग इस वीडियो में इसका सॉल्यूशन जानने की पूर्ण कोशिश करेंगे दोस्तों। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। इससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नीचे में लाल रंग का आपका सब्सक्राइब का बटन है, आप उस बटन को दबा दीजिएगा जो कि बिल्कुल ही मुफ्त है, और बगल में बेल आइकॉन है आप उसको भी दबा दीजिएगा, जिससे जो भी वीडियो बनता है उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगी दोस्तों। चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है और महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों कि डीवी होगा या नहीं, ठीक है, डीवी होगा या नहीं, इसी को लेकर के संशय है यहाँ पे, ठीक है। जिस तरह से कल लेटर जारी हुआ था दोस्तों, उस लेटर के बाद शिक्षा विभाग की तरफ से लेटर जारी किया गया था कि जो कार्य जो कर्मी उनके लगे हुए हैं, पदाधिकारी उनके लगे हुए हैं, जो शिक्षक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कार्य में लगे हुए हैं, हम सबको वापस बुलाते हैं। उसके बाद मुख्य सचिव आमिर सुभानी सर का भी एक लेटर जारी हुआ सभी जिलाधिकारियों को, और कहा गया कि जो भी शिक्षा विभाग की कर्मचारी अधिकारी इस कार्य में लगे हुए हैं उनको विरमित किया जाए, और दूसरे डिपार्टमेंट के अदर जो डिपार्टमेंट है जिले में वहां से कर्मियों की नियुक्ति की जाए दोस्तों। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है, इसलिए इस कार्य को स्थगित नहीं किया जाएगा, किया जाएगा लेकिन दूसरे विभाग के कर्मचारियों से किया जाएगा। तो जिनका भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो अपने अपने जिले में जहां भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है वो जरूर वहां पे पहुंचे, ठीक है, क्योंकि बहुत से जिले हैं, जैसे एक जिला था औरंगाबाद जहां पे स्थगित का लेटर आया, बाकी किसी जिले से स्थगित का लेटर फिलहाल नहीं आया है, और बहुत से जिले ऐसे हैं जहां पे संशोधित कार्यक्रम भी तय कर दिया गया है, मतलब कि दूसरे डिपार्टमेंट के अधिकारी को बुला करके और अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया जा रहा है। जैसे मधुबनी से जो लेटर आया था उसमें साफ साफ कहा गया था कि संशोधित डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के लेटर जारी कर दिया गया है दोस्तों। तो बिल्कुल इस चक्कर में कोई ना रहे कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होगा, सब लोग पूरी तैयारी के साथ अपने अपने जगह पे अपने अपने जिले में जहां पर भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है आप लोग अपने अपने जिले में वहां पे पहुंचिए, हो सके कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो, अदर डिपार्टमेंट के कर्मचारियों को बुला करके आपका लिया जाएगा, ठीक है। तो जरूर सब लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पहुंचे, जो कि काफी महत्वपूर्ण था दोस्तों। कई लोगों की तरफ से प्रश्न आया था कि अब औरंगाबाद जिला में ही है तो यहाँ पे लेटर तो स्थगित का है, लेकिन भी जब कल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो जिनका भी है कल वहां पे जरूर पहुंचे। मे बी कि आज दिन भर का समय है और ना बीपीएससी की तरफ से स्थगन का कोई लेटर आया हुआ है, ना बीपीएससी चेयरमैन का कोई इस तरह से कोई ट्वीट आया हुआ है, ठीक है। तो ये आपका होगा, कल जरूर जरूर से जरूर अपने अपने जिले में सब लोग पहुंचिए जहां भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है दोस्तों, ठीक है ना। दूसरी चीजें और महत्वपूर्ण चीजें हैं लेडीज को लेकर के, महिलाओं को लेकर के, ये भी प्रश्न मैंने यहाँ पे लिखा है और काफी कमेंट भी किया जा रहा है इसको लेकर के कि जो लेडीज हैं वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उनका कहाँ पे होगा, परमानेंट एड्रेस पे होगा उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, या तो फिर उनका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वो आप उनके कोरेस्पोंडेंस एड्रेस पे होगा, इसको लेकर के काफी प्रश्न पूछा जा रहा है, ठीक है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो भी महिलाएं हैं वो अपने परमानेंट एड्रेस जो दी है वो परमानेंट एड्रेस पर ही जाकर के अपना डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करवाएंगे, ठीक है ना, परमानेंट एड्रेस पे ही उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। जो आप फॉर्म फिल करते समय परमानेंट एड्रेस दिए हैं आप उस परमानेंट एड्रेस पे ही जाइएगा। यदि किसी महिला ने
अभी जो डेट दिया गया था 1 से 3 तारीख तक एडिटिंग का, यदि किसी महिला ने परमानेंट एड्रेस को भी चेंज करके और वहां पे कोई दूसरा एड्रेस दे दिए हैं, तो फिर जो एड्रेस आप दिए हैं उस एड्रेस पर आप जाइए, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। और जिन लोग कोई एडिटिंग नहीं किए हैं वो अपने अपने परमानेंट एड्रेस पर ही जाइए, ठीक है। वो मायके और ससुराल आपको नहीं करना है, आपको सीधा सीधा अपने परमानेंट एड्रेस पे जाना है, जहां भी आप फॉर्म में दिए हुए हैं परमानेंट एड्रेस, ठीक है ना। क्योंकि बहुत तरह का ये प्रश्न आ रहा है कि सर मायके में जाकर के करवाएं, ससुराल में जाकर के करवाएं, कहां करवाएं, तो जो भी आप परमानेंट एड्रेस है आप उस परमानेंट एड्रेस पर ही जाएं, मायके ससुराल कोई मायने यहाँ पे नहीं रखता, आपका परमानेंट एड्रेस यहाँ पे मायने रखता है दोस्तों, ठीक है ना। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए कुछ प्रश्न आ रहे हैं कि उल्टा पुल्टा डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो गया है, कैफे वाले इनकम के जगह आवासीय का सर्टिफिकेट, आवासीय के जगह एनसीएल का सर्टिफिकेट, एनसीएल के जगह पे ईडब्ल्यूएस का सर्ट, तमाम तरह की उल्टा पुल्टा चीजें, टेंथ के जगह पे इंटर का मार्कशीट, इस तरह का चीज हुआ है, तो अब क्या कर सकते हैं। तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाएं या ना जाएं, क्या किया जाएगा, तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बिल्कुल जाना है, किसी भी तरह का वहां पे कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है। आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जब वो देखेंगे टेंथ है तो टेंथ के जगह पे आपका 12 का मार्कशीट आएगा, ठीक है। आप अपने 12 का मार्कशीट लेकर के जाइएगा, सर ऐसा ऐसा गलती वहां उस समय पे हुआ था, ठीक है ना, तो आपको दिक्कत नहीं होगा। दिक्कत बस इतना ही सा है कि आपको पार्शियली, ठीक है, पार्शियली वेरीफाइड में आपको रख दिया जाएगा और कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। पार्शियली वेरीफाइड में आपको किया जाएगा तो इससे आपको कोई दिक्कत नहीं है, आगे आने वाले दिनों में फिर से आपका एक बार वेरीफाई होगा और किसी भी तरह का कोई समस्या आपको नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये पार्शियली वेरीफाइड में आपको रखा जाएगा और दूसरा कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होना है, इसलिए आप लोग जरूर से जाइए। ऐसी कोई भी समस्या है तो उसे ये नहीं सोचना है कि हम जाएंगे वहां पे तो किसी तरह का कोई समस्या हो जाएगा तो हम नहीं जाते हैं, तो ये चीजें बिल्कुल नहीं करनी है। सिर्फ और सिर्फ वहां पे 2-3 तरह का ऑप्शन आ रहे हैं, एक ऑप्शन है जो सिर्फ और सिर्फ वेरीफाइड का ऑप्शन है, तो जिनका सारा कुछ सही है उनका सीधा ये वेरीफाइड हो जा रहा है, ठीक है। जिनके डॉक्यूमेंट्स हैं लेकिन उल्टा पुल्टा अपलोड हुए हैं तो उनका ये पार्शियली वेरीफाइड आ रहा है वहां पे, ठीक है। ये पूरा का पूरा टर्म आपका पार्शियली वेरीफाइड, तो पार्शियली वेरीफाइड में आपका टिक लग जाएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी चीजें जो कि काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों यहाँ पे, कि अदर स्टेट के बच्चे कैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में शामिल हो रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, जबकि डोमिसाइल लागू था एसटीटी 2019 में दोस्तों। एसटीटी 2019 हुआ था उसमें डोमिसाइल लागू था, जो बिहार के कैंडिडेट थे सिर्फ और सिर्फ उन्हीं का वही एलिजिबल थे एसटीटी 2019 देने के लिए। तो फिर अभी जो बीपीएससी तैयारी हुआ था तो उसमें कुछ बच्चे अदर स्टेट के भी आ गए हैं और वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आ रहे हैं, तो भाई आप लोग संभाल लीजिएगा। ये मैं आपको स्पष्ट बता देता हूँ कि एसटीटी 2019 जो हुआ था उसमें डोमिसाइल लागू था और इस बार बीपीएससी तैयारी में आपका डोमिसाइल लागू नहीं था, तो बहुत से बच्चे जो बहुत होशियार होते हैं वो लोग बीपीएससी तैयारी का फॉर्म फिल कर दिए और जानते हैं एसटीटी 2019 का जो सर्टिफिकेट है, इस सर्टिफिकेट में बच्चे देख लीजिए कितने होशियार हैं, नेट, ठीक है, यूजीसी नेट का सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड कर दिए हैं बच्चे लोग, और यूजीसी नेट के सर्टिफिकेट को अपलोड करके और यहाँ पे एग्जाम भी दे दिए बीपीएससी तैयारी का और यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी आ रहे हैं, और ये भी खबरें मिली है कि कुछ लोगों का वेरीफाइड भी हो गया है, ठीक है, क्योंकि जो वेरिफिकेशन हो रहा है, जो आप अपलोड किए हैं वही चीजें आपको वहां पे दिखा देनी है। लेकिन बीपीएससी चेयरमैन माननीय अतुल प्रसाद सर से ये रिक्वेस्ट करेंगे, वहां तक ये वीडियो जरूर जाना चाहिए, उनसे ये रिक्वेस्ट रहेगा कि आप कम से कम एलिजिबिलिटी तो चेक कर लीजिए कि वो एसटीटी 2019 का ही तो कैंडिडेट है या फिर नेट का कैंडिडेट है या कोई किसी और भी डॉक्यूमेंट्स को वो बच्चा अपलोड कर दिया है और एग्जाम दे दिया है,
तो इससे जो फर्जी वाले हैं सर वो छट नहीं रहे हैं, तो कृपया इस ओर आप जरूर ध्यान दें। और आप लोग अधिक से अधिक वीडियो शेयर कीजिए, क्योंकि ये आपके लाइफ का, आपके करियर का ये प्रश्न है दोस्तों। ठीक है, ये चीजें देखने को मिल रही है कि कुछ लोग डॉक्यूमेंट्स कुछ और अपलोड कर दे रहे हैं, और फिलहाल जो डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन हो रहा है वो मिलान किया जा रहा है, जो आप अपलोड किए थे उसी का ओरिजिनल आपके पास है या नहीं है, बस। और कुछ भी विशेष हो नहीं रहा है, तो बीपीएससी चेयरमैन सर से और जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लगे हुए हैं, आप लोग कम से कम एक बार इस चीज की ओर जरूर ध्यान आकृष्ट कीजिए कि जिसका भी हम लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर रहे हैं वो एसटीटी 2019 ही क्वालिफाइड है ना। एसटीटी 2019 या एसटीटी 2011 12 में जो हुआ था वही क्वालिफाइड होना चाहिए, उसके पास वही सर्टिफिकेट होना चाहिए, न कि नेट का सर्टिफिकेट होना चाहिए। नेट के सर्टिफिकेट पे भी बहुत लोग एसटीटी 2019 का सर्टिफिकेट अपलोड करना था, नेट का सर्टिफिकेट अपलोड कर दिए हैं और अपना वेरिफिकेशन करवा रहे हैं, जो कि कहीं से भी सही नहीं है। और वैसे फर्जी लोग पकड़े जाइएगा तो अगले 5 साल तक बीपीएससी के किसी भी एग्जाम देने से आप वंचित हो जाइएगा, आपके ऊपर FIR किया जाएगा, आप जेल जाएंगे। ये ध्यान आप लोग जरूर रखिएगा, ठीक है ना, ये ध्यान आप लोग जरूर रखिएगा। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सिर्फ जो सही कैंडिडेट्स हैं वही लोग जाइए, फर्जी कैंडिडेट्स नहीं जाइए, नहीं तो फिर समस्या आपके साथ होगा, ये आप अच्छे से समझ लीजिए। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीजें थी दोस्तों, जो आप लोग के तरफ से कमेंट करके पूछा गया था, कुछ प्रश्न पूछे गए थे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीजें थी दोस्तों, उम्मीद है कि आपको काफी हेल्पफुल होगा, काफी इंफॉर्मेटिव भी होगा, और काफी ये कुछ प्रश्न था दोस्तों जो आप लोगों की तरफ से कमेंट करके पूछा गया था, उम्मीद है आपके कंफ्यूजन जरूर दूर हुए होंगे और काफी इंफॉर्मेटिव भी होगा। तो आप वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, और जो भी चैनल पे नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।